नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। कल शाम में उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सम्पन्न हुआ, 10 मार्च को, जिसका परिणाम आया था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, अखिलेश यादव को जिसमें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी पर जीत हासिल करने के लिए अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी सहित कांग्रेस को एक और मौका मिला है। आपको बता दें कि 36 सीटों पर होने वाले उत्तर प्रदेश विधान परिषद का चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसका नामांकन प्रक्रिया पहले चरण का 19 मार्च तक होगा, तो वहीं दूसरे चरण का नामांकन प्रक्रिया 15 से 20 मार्च तक होगा। वहीं सभी सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं परिणाम की बात करें तो 12 अप्रैल को विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के परिणाम आने हैं। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कितना सीट लाती है। वर्तमान समय में बात करें, समाजवादी पार्टी अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बहुमत में है। वहीं दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव में इनमें वोटर जो हैं, स्थानीय निकाय के सीटों पर सांसद, विधायक, नगरीय निकाय, कैंट बोर्ड के निर्वाचित सदस्य, जिला पंचायत व क्षेत्रीय पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान वोटर होते हैं। ऐसे में देखना ये होगा विधान परिषद चुनाव में किसका सिक्का चलता है, कौन बाजी मारता है। वहीं विधान परिषद में तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूर्ण बहुमत लाई। वहीं सपा जो है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की पार्टी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह धाराशाही हो गई। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से विलुप्त होते नजर आई, और बहुजन समाजवादी पार्टी भी ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने पूर्ण रूप से धाराशाही होते दिखाई दी। लेकिन विधान परिषद चुनाव में अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी बहुमत में है। अब देखना ये होगा इस बार के चुनाव में सबसे ज़्यादा किसे सीटें मिलती है। 12 अप्रैल को विधान परिषद के परिणाम आएंगे। परिणाम में अब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट लाती है और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस चुनाव में क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।